21 लीटर का आपको इसमें स्टोरेज स्पेस मिल जा रहा है। मैं अंधेरी वेस्ट में आया हूँ, ड्रीम सुजुकी में। यहाँ पर एक स्कूटर और बाइक के बारे में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और उसके बारे में फीचर्स और डिटेल जानेंगे। हम लोग एक बहुत ट्रेंडी और स्टाइलिश स्कूटर के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले इस स्कूटर का हम लोग 360 डिग्री व्यू देख लेते हैं कि इस स्कूटर दिखती कैसे है। तो फ्रंट से इस स्कूटर का ये लुक आता है, काफ़ी बल्कि एक बाइक के जैसे इसका ये लुक आ जाता है और काफ़ी स्टाइलिश। यहाँ पर आप कलर भी, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट भी देख सकते हैं। ये राइट साइड से इस स्कूटर का ये लुक आ जाता है, काफ़ी लंबी भी दिख रही है और बल्कि भी, और काफ़ी पावरफुल और दमदार दिख रही है। और बैक साइड से ये इसका लुक आ रहा है और लेफ्ट साइड से इसका ये व्यू आ जा रहा है। टॉप से इस स्कूटर का लुक देखें तो इस तरह से आ जाता है, आपको काफ़ी लंबी सीट मिल जा रही है। यहाँ पर हम लोग 360 डिग्री लुक देखने के बाद अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी और कंफर्ट को लेकर, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर माउंटेड विंड ब्लास्ट मिल जाता है, विंड स्क्रीन मिल जाता है। और ये आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ग्लास फिनिश में दिया गया है फाइबर का। इसका एडवांटेज ये हो रहा है कि जो राइडर है, राइडर का जो सीट है वो काफ़ी नीचे हो रहा है और ये जो हवा का जो स्पीड होगा, जो भी डस्ट या छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इस पर से स्प्रेड होता रहेगा, तो जो उसका फेस है और बॉडी है जो राइडर का वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट होता रहेगा। अब इससे नीचे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको फ्रंट में ही इसका नंबर प्लेट आपको मिल जाएगा और ये दो कंट्रास्ट कलर में आ रहा है, दोनों ग्लॉसी फिनिश में है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लू एंड ब्लैक कलर का मिल रहा है और फ्रंट में ही आपको 3D लोगो मिल जाता है सुजुकी का। अब यहाँ पर बात करें इसके हेडलैम्प का, तो काफ़ी लग्जीरियस इसका आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, अब विद DRL हेडलैम्प के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DRL हेडलैम्प का ये शेप दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा शार्प कॉर्नरिंग है और इसके बाद ये इस तरह से यहाँ आता है और फिर स्प्लिट होकर दूसरे साइड में इस तरह से जाता है। तो आपको बेसिकली ये शेप यहाँ पर इसके DRL हेडलैम्प का मिल जा रहा है, तो अंधेरे में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और डे टाइम में भी ये DRL लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कि इससे आपका जो प्रेजेंस है वो फ्रंट व्हीकल में वो काफ़ी अच्छा रहता है और होना चाहिए वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका जो हेडलैम्प है वो आपको LED हेडलैम्प मिलता है, जिसकी वजह से जो आपकी लो लाइट एरिया में विजिबिलिटी है, जो डार्क में विजिबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इसका आप शेप देख सकते हैं, काफ़ी मतलब पूरा एरोडायनेमिक शेप दिया गया है और काफ़ी बल्कि शेप दिया है और बहुत स्टाइलिश लग रही है स्कूटर। और इसीलिए स्कूटर आप रोड पर देख सकते हैं काफ़ी मतलब धूम मचा रही है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड में इस समय चल रही है। और यहाँ पर इससे नीचे चलें तो आपको यहाँ पर छोटा सा इसका स्पोर्टी मडगार्ड मिल जाता है और दोनों साइड में थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाता है इसका मडगार्ड, और उसी एलिवेटेड पोर्शन में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कॉर्नरिंग पर सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करें इसके टायर का, तो इसमें आपको फ्रंट में 90x90 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जबकि रियर टायर का साइज 90x100 हो जाता है। रियर टायर थोड़ा सा वाइडर है और वाइडर होने की वजह से जो रोड पर आपका ग्रिप है बाइक को लेकर वो काफ़ी अच्छा दमदार पावरफुल होने वाला है। अब दूसरा हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेफ्टी के लिए ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि रियर ब्रेक आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब किसी भी सरफेस पर आपका जो ब्रेक है वो काफ़ी अच्छे तरह से काम करने वाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दमदार तरीके से आपका वर्क करेगा। कंफर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सस्पेंशन और सीट, तो यहाँ पर हम बात करें इसके सस्पेंशन का, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रियर में आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन मिल जा रहा है। इसमें आगे और पीछे दोनों में आपको ग्लॉसी एंड मैट फिनिश में अलॉय व्हील मिल जाता है। फ्रंट में ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ साइड इंडिकेटर मिल जा रहा है जिसमें ऑरेंज बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो साइड इंडिकेटर का लाइट है वो भी थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन में मिल रहा है पीछे ओपन में, जिससे जिसकी वजह से क्या होगा जब साइड व्हीकल्स आपको पार करेंगी तो उसमें भी आपकी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर शो होती रहेगी। और उसके साथ साथ ये डिज़ाइन को भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दे रहा है। अब हम इससे आगे बढ़ें तो स्कूटर के लिए लेग रीच काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको कोई भी लेडीज़ या गर्ल्स या कोई भी घर का सदस्य चलाता है, तो स्पेशली लेडीज़ या गर्ल्स के लिए हाइट का थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूरी हो जाता है, तो उनका लेग रीच जो है वो फ्लोर पर काफ़ी अच्छा हो, इसके लिए इसका जो डिज़ाइन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको कर्व मिल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी जो है थोड़ा सा स्लिक हो जा रहा है, इसके वजह से आपका जो लेग रीच है वो काफ़ी आसान होने वाला है। अब जब गाड़ी आपकी चल पड़ी तो आपके लेग के रेस्ट के लिए यहाँ पर दो लेवल दिया गया है, एडजस्टेबल दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ग्रिप के साथ में यहाँ पर आपका फुट रेस्ट हो गया, इस पर आप अपना दोनों लेग रख सकते हैं, और इस यदि यहाँ पर रखना है
तो आप इस पर भी रख सकते हैं। और ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे ग्रिप के साथ में आपको इसका ये मैट मिल जाता है। स्कूटर आदमी इसी ले लेता है क्योंकि लोकल एरिया में जब ट्रेवल कर रहा था छोटा मोटा सामान, बैग, लैपटॉप वगैरह कुछ ऐसे कैरी कर सके। तो यहाँ पर आपको डुअल हुक मिल जा रहा है, ये हुक यहाँ पर एक नीचे मिल गया और दूसरा यहाँ पर है, जिसकी वजह से आप वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी यदि आप हैंग करते हैं तो उसको लेकर आ सकते हैं। अब हम बात करें दूसरा कंफर्ट को लेकर, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी आपको स्टोरेज दिया गया है, यहाँ पर रैक है आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ मोबाइल रख कर चार्ज में लगा सकते हैं, तो आपका मोबाइल भी चलते समय आराम से यहाँ चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए, तो इसमें आपको जो फैसिलिटी है आपके कंफर्ट को लेकर, आपके यूटिलिटीज़ को लेकर, तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब हम इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम इसके सीट को ओपन करते हैं, क्योंकि दूसरा कंफर्ट का जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फुल फेस हेलमेट रखना है, तो उसके लिए सीट के नीचे एक जगह मिल जाता है। जैसे ही मैंने वहाँ से लेफ्ट ट्विस्ट किया की को, ये ओपन हो गया। अब ये ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 लीटर का आपको इसमें स्टोरेज स्पेस मिल जा रहा है, काफ़ी बड़ा है। हेलमेट रखने के बाद भी आपका जगह बचेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, गाड़ी के पेपर वगैरह हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जा रहा है, हेलमेट रख सकते हैं और छोटी मोटी फाइल वगैरह हो या छोटा कोई आइटम हो तो आप उसको भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और इसको सीट को क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सीट का, तो इसमें आपको देखिए काफ़ी वाइडर, काफ़ी लंबी आपको इसमें सीट मिल जा रही है। 2 लेवल सीट है, राइडर के लिए सेपरेट जोन और पिलियन राइडर के लिए सेपरेट जोन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फुल स्ट्रक्चर दिया गया, और इसमें ये जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कर्व भी दिखेगा, जिसकी वजह से जो एक कंफर्ट है राइडर और पिलियन राइडर का, दोनों का काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। और इसके ऊपर जो कवरिंग है काफ़ी अच्छे रेगजीन का कवरिंग दिया गया है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग राइड में भी ये सीट गर्म नहीं होती है, आपका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता रहता है, तो इसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। कंफर्ट तो इस सीट पर भरपूर मिलने वाला है, मैं बैठकर भी दिखाता हूँ इसका जो कंफर्ट है, आप देखिए कितना आराम इसमें मिल रहा है। फुल मतलब मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा फुल बॉडी जो है इसके ऊपर आ रहा है। तो आगे चलते हैं हम, इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आते हैं, तो ब्लू कलर में आपको फुल ग्लॉसी फिनिश के साथ ये ब्लू कलर मिल रहा है, और उसके ऊपर आपको ये ग्रैब बार मिल रहा है, ग्लॉसी फिनिश के साथ में मेटालिक ग्रैब बार है, जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबा आप देख रहे हैं कि नॉर्मली होता है वो काफ़ी छोटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर फुल मिल रहा है काफ़ी, जिसकी वजह से जो बाइक का अपीयरेंस है, जो प्रेजेंस है, वो भी काफ़ी दमदार हो रहा है। और उसके साथ साथ जो आपकी यूटिलिटीज़ है, जो यूज करने का एरिया है, वो भी आपका काफ़ी बढ़ जा रहा है, कहीं से भी पकड़कर आप गाड़ी को आगे पीछे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम बात करें फुटरेस्ट का, पिलियन फुटरेस्ट का, तो आपको इसमें एल्युमिनियम फुटरेस्ट मिल जाता है इस तरह से आपको दोनों साइड में। अब हम स्टाइल की बात करें इसके लुक का, जो इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो इसका जो मफलर कवर है आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर में है, ये आपको चारकोल ब्लैक कलर मिल जा रहा है मैट फिनिश के साथ में, और यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिल रहा है। इसका जो टेल एरिया है पूरा टेल एरिया को कवर कर रहा है, तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत स्पोर्टी, बहुत स्टाइलिश आपको ये इसका कवर देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम पीछे से इस बाइक को देखें तो पीछे से भी काफ़ी वाइडर एरिया आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको LED टेल लैंप मिल जाता है विथ साइड इंडिकेटर के साथ में, साइड इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब में मिलता है, और जो इसका टेल लैंप है वो आपको LED में मिलता है। बहुत शार्प विजिबिलिटी आती है, बहुत शार्प स्प्रेड है इसके लाइट का, तो इस तरह से इसका टेल लैंप हो गया। इसमें साइड स्टैंड ए मिल जाता है और डबल स्टैंड दोनों आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। इसके सेफ्टी और कम्फर्ट के बाद हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स का, तो इस बाइक में आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल्ड FISOSC इंजन मिल जाता है, जिसका मैक्स पावर 8.7 PS एट 6750 RPM पर मिलता है, और मैक्स टॉर्क इसका 10.0 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM पर मिलता है। बाइक में आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट भी मिल जा रहा है किल स्विच के साथ में, तो इसमें आपको दोनों स्टार्ट सिस्टम मिल जाता है। इस बाइक का सीट हाइट जो है वो आपको 780 mm का मिलता है। इस बाइक का कर्व वेट 110 mm है। व्हील बेस इसका आपको 1265 mm का मिल जाता है, और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस आप देखिए माइंड ब्लोइंग है, काफ़ी अच्छा है, 160 mm का इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ओवरऑल इस बाइक का जो हाइट है वो आपको 1140 mm का मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का, तो इसमें आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर मिल जा रहा है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बाइक से रिलेटेड मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए फ्यूल गेज आपको मिल गया, स्पीडोमीटर मिल गया यहाँ पर, और टाइम शो करने के लिए, और यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिल गया। इसके साथ साथ आपका साइड इंडिकेटर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में टॉप पर दिख जाएगा।
लो और हाई बीम का यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पार्ट का अलर्ट आपको शो करेगा कि इलेक्ट्रिकल पार्ट बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप दो बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, सेट का और यहाँ पर एडजस्टमेंट का। तो यहाँ पर आप इस सेट बटन से आप ट्रिप ए ट्रिप बी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बैटरी का पोजीशन दिख रहा है कि बैटरी आपकी कितना चार्ज है, 12.3 इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है, और बैटरी के चार्जिंग का यहाँ पर आपको शो करेगा। अब इसके बाद आपको ये ओडोमीटर मिल गया कि आपकी बाइक टोटल ओवरऑल कितना चली वो आपको मिलेगा। अब सेट करना है तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओडोमीटर को छोड़कर बाकी सारा कुछ आपका एडजस्ट हो सकता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसके डिस्प्ले में मिल जाता है। अब हम बात करें इसके रेसिंग बार का, तो आपको इसमें सिंगल रेसिंग बार मिल जाता है विद फुल कवरिंग के साथ में। फुल कवरिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप इसके बेस से लेकर टॉप तक आप देखिए तो ये पूरा आपका जो हैंडल बार है ये फुली कवर हो रहा है, और सेंटर में आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ में मिलता है जबकि साइड में आपको मैट फिनिश के साथ में मिल रहा है। अब इसके लेफ्ट हैंडल बार पर आपको तीन स्विच मिल जा रहे हैं, अपर और डिपर आपको यहाँ मिल रहा है, लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर ये हॉर्न मिल गया। तो हॉर्न का आपने देखा काफ़ी अच्छा दमदार हॉर्न आपको मिल जा रहा है। राइट साइड में आपको एक स्विच मिलता है, आपको किल स्विच मिल जा रहा है और इंजन स्टार्ट स्विच भी मिल जा रहा है, यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको इसका जैसे ही क्लच लेकर इसको प्रेस करता हूँ तो ये बाइक ऑन हो जाती है। तो ये बाइक ऑन हो गई, अभी आप एक्सेलरेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग आप आगे जा सकते हैं। तो अभी जो मैं रेस कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये स्पीड आ रही है। तो इस तरह से इसमें आपको किल स्विच और स्टार्ट स्विच दोनों एक में मिल जाता है। तो ये था ओवरऑल इस स्कूटर के बारे में जानकारी। यहाँ पर कोई अभी अवेलेबल नहीं है फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन मैं ही दे देता हूँ। तो इस बाइक का जो कलर है ये टोटली आपको 5 कलर में अवेलेबल हो जाती है, और इसका जो टॉप स्पीड है वो आपको 95 का मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 5.5 लीटर का आपको मिलता है। इसका जो माइलेज है 64 कंपनी क्लेम करती है, लेकिन जो कस्टमर फीडबैक है वो 45 टू 50 के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशन। यदि हाईवे वगैरह पर जाते हैं तो शायद 55 प्लस भी मिल जाए आपको। इसका एक शोरूम प्राइस जो है 86,700 और ऑन रोड आते आते आपको 1,09,500 में पड़ती है। ये रेट मैं आपको मुंबई का बता रहा हूँ, और बाकी स्टेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो सब आप लोग जानते हैं। तो ये था ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस स्कूटर के बारे में। अब हम लोग इसका एक वॉक अराउंड देखते हैं।